हम सभी को पता है हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब ऑर्गन्स का अपना अलग अलग एक फंक्शन है, या फिर कह लीजिए एक पर्टिकुलर ऑर्गन बहुत सारे फंक्शंस करता है और हमारी बॉडी को एनी हाउ सपोर्ट करता है, वेदर इट इज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, आपका रेस्पिरेशन है, आपका डाइजेशन है, या फिर आपका एक्सक्रीशन है। तो आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे अबाउट लंग्स और एक पर्टिकुलर डिजीज, कह लीजिए डिसऑर्डर, दैट इज इम्फाइसिमा। हेलो एवरीवन, मैं सर डॉक्टर संस्कृति। आज इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे अबाउट इम्फाइसिमा। इम्फाइसिमा क्या है, कैसे हमारे लंग्स पे इम्पैक्ट आता है और कैसे हमें ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, क्योंकि जब भी हम विंटर्स की अगर हम बात करें, विंटर्स को अगर हम सोच के कुछ माइंड में थॉट लेके आए, तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो यही आता है, ब्रीदिंग इश्यूज। क्योंकि विंटर्स में कंपैरेटिवली जो हमारे एयर सैक्स होते हैं या फिर जो हमारा नैरोइंग होती है रेस्पिरेशन की, वो बहुत ज़्यादा नैरो होती चली जाती है, क्योंकि वहाँ पे हवा जमना शुरू हो जाती है, जो कोल्ड एयर है वो वहाँ पे ट्रैप होना शुरू हो जाती है, तो हमें ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं। तो ऐसी एक कंडीशन है, दैट इज इम्फाइसिमा। इम्फाइसिमा मतलब जो हमारे लंग्स हैं वहाँ पे एयर ट्रैप होना शुरू हो जाती है। अब आप समझ रहे होंगे कि एयर ट्रैप कैसे हो सकती है, लंग्स का तो अपना फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सही। लेकिन जब भी हमारे बॉडी में एक मैकेनिज्म फॉलो होता है, दैट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, मतलब जब भी आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हो, तो होता क्या है, पर्टिकुलरली इम्फाइसिमा की कंडीशन में आप कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से एक्सक्रीट ही नहीं कर पाते। अब इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। जब हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ही नहीं आ रही है, तो ऑक्सीजन का स्पेस कहाँ बचा, मतलब आप इनहेल कर ही नहीं पाओगे, आपको इनहेलेशन में प्रॉब्लम होगी, और एक्सहेलेशन में तो प्रॉब्लम हो ही रही है, क्योंकि जब तक हमारी बॉडी में O2 नहीं जाएगा, तो जब तक CO2 कैसे बाहर आएगा। तो यही एक कंडीशन है जो एम्फाइसिमा की सिचुएशन में या फिर कह लीजिए डिजीज में पेशेंट जनरली फेस करते हैं, और विंटर्स में तो बहुत ज़्यादा। अगर कोई ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं, या फिर उनकी पास्ट हिस्ट्री है ब्रीदिंग इश्यूज को लेके, इम्फाइसिमा को लेके, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को लेके, या फिर COPD को लेके, तो आप डायरेक्टली हमारे श्रेयाज में हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करेंगे, कंसल्ट करेंगे, और आपको बताएंगे कि आपको प्रॉब्लम क्यों है और आप कैसे इसका इलाज ले सकते हैं। अब हम इस बीमारी को थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर हम किसी भी बीमारी के साइंस को पहचाने, तो हमारे अंदर ब्रीदिंग इश्यूज थोड़े ना थोड़े रहते ही हैं, लेकिन हम इंतज़ार कब तक करते हैं, जब तक हमें वो सिम्टम्स दिक्कत ना देना शुरू कर दें। जब हमें प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगती है, जब हमें ब्रीदिंग इश्यूज बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, हम सांस नहीं ले पाते, जब कहीं जाके हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आपको प्रॉब्लम पहले से हो रही है, अगर आपको साइंस, अगर आपकी बॉडी आपको ट्रिगर कर रही है, कुछ सिम्टम्स दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा वॉक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, या फिर सोते टाइम आपको बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं, तो आप डायरेक्टली अपने डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट कर लो, क्योंकि हमें बॉडी का मैकेनिज्म समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और हम इनिशियली सिम्टम्स को नेगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। इम्फाइसिमा की कंडीशन में भी सेम यही है, हमारे लंग्स में एल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं। अब एल्वोलाई क्या होता है, एयर सैक्स होते हैं। एयर सैक्स मतलब आपकी जो एयर है, जो एयर ट्रैपिंग है, जो एयर एक्सचेंज है, उसका बहुत अच्छा मैकेनिज्म या फिर कह लीजिए फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब होता क्या है, जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन तो है, लेकिन जो हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करना चाहते हैं वो वहीं पर ट्रैप हो रही है, मतलब जो आपका पावर हाउस है, जो आपका हाउस है, वो सिर्फ और सिर्फ CO2 से भरा हुआ है, तो ऑक्सीजन की जगह ही नहीं रही। जब ऑक्सीजन बॉडी में आएगा ही नहीं, तो हमारी ब्लड में ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, दैट वॉट हैपन्स, एंड हमारी बॉडी में एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, दैट इज ब्रीदिंग इशूज। आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, आपको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आती है, आपको इनहेल एक्सहेल में प्रॉब्लम आती है। इसलिए हम बेटर पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि गो फॉर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में भी कौन सी एक्सरसाइजेस, एक्सहेलेशन वाली एक्सरसाइजेस, मतलब जिसमें आपको सांस बाहर छोड़नी है। अब हम सांस लेने और छोड़ने का मैकेनिज्म थोड़ा सा अगर समझे, तो होता क्या है, जब भी हम सांस लेते हैं, हम पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि आप सांस लो और लंग्स जितना ज़्यादा एक्सपैंड हो सके उतना ज़्यादा करो, मतलब जितनी ज़्यादा सांस आप अंदर भर सकते हो उतनी ज़्यादा भरो, एंड देन उसी स्पीड से वो सारी सांस, वो सारे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दो। लेकिन इम्फाइसिमा के पेशेंट्स में सांस बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो हम पेशेंट्स को यही रिकमेंड करते हैं कि आप एक्सहेलेशन वाली एक्सरसाइजेज ज़्यादा करो, आप एक्सपायरेटरी वाली एक्सरसाइजेज ज़्यादा करो। उसके लिए हम पेशेंट्स को स्पायरोमीटर भी सजेस्ट करते हैं। स्पायरोमीटर का आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उससे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सिवियर हो रही है, तो आप हमारे डॉक्टर से डायरेक्टली कंसल्ट भी कर सकते हो। हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट कंसल्टेशन एज वेल एज बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कि आपको प्रॉब्लम इनिशियली कब स्टार्ट हुई, कैसे शुरू हुई, कौन कौन से आपको लक्षण हैं जो आपको समझने हैं, एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट, आप कौन से मेडिकेशंस ले रहे हो,
क्योंकि पेशेंट जनरली जब हमें विजिट करते हैं तो उनका क्वेश्चन यही होता है कि मैम हमने बहुत सारे मेडिकेशंस ले ली, हमने बहुत सारे एक्सरसाइजेस कर ली, लेकिन हमें कोई इलाज नहीं मिल रहा है। लेकिन आपको या आपके डॉक्टर्स को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इलाज तो जब होगा जब आपको कॉज पता है, आपको ये पता है कि आपकी बीमारी कितनी ज़्यादा सीवियर है। क्योंकि हम जनरली अपनी कंडीशन को सीवियर, मॉडरेट या फिर माइल्ड में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। इनिशियली हम माइल्ड कंडीशंस में नहीं, हम सिम्टम्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं और हमें नहीं पता होता। मॉडरेट में आप थोड़ा बहुत ध्यान देना शुरू करते हो कि हाँ प्रॉब्लम है, शायद हमें ज़्यादा हो सकती है, हम डॉक्टर को दिखा लें। लेकिन सीवियर में आपके पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, या फिर कह लीजिए हमारे डॉक्टर्स के पास भी कोई एज सच एक सॉलिड ट्रीटमेंट नहीं बच पाता है। तो अगर आपको सिम्टम्स इनिशियली दिखते हैं, अगर आपको ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं, अगर आपको शॉर्ट ब्रेथ आ रही है, अगर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ खाते हो तो एकदम से धसका लग जाता है, क्योंकि जब भी आप मुंह में कुछ निवाला डाल रहे हो तो एयर ट्रैप होना शुरू हो जाती है, मतलब सिर्फ खाने ही जा रहा है उसके साथ आप सांस नहीं ले पा रहे हो, तो जब ये सारी डिफिकल्टीज आना शुरू हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा आप कॉन्वर्जेशन में हो, किसी से डिबेट करो, किसी से बात करो, नॉर्मल कॉन्वर्जेशन करो, तो भी बीच में आपको एयर ग्रैप्स करने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब आपको रुकना पड़ता है कि अब मैं सांस ले लूँ। तो अगर ये वाली कंडीशन आपके साथ प्रोलॉन्ग टाइम से चलती हुई आ रही है तो यू डोंट नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर्स, या फिर आप श्रेयास में भी हमें कंसल्ट कर सकते हो। हमारे डॉक्टर्स आपको मेडिकेशंस, एक्सरसाइजेस या फिर आपको किन किन बातों का ध्यान देना है, कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, ये सब हमारे डॉक्टर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट करेंगे। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरीज मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।